फ्रेंड अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को, एक्सरसाइज 2.4। आज हम एक्सरसाइज 2.4 में हमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको याद होगा कि हमने ये एक्सरसाइज 2.3 में भी किया था, लेकिन 2.3 में सिर्फ सिंगल वैल्यू थी, ये नीचे की वैल्यू नहीं थी। हमें इस दफा हमें दो वैल्यू दी गई है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों हमने फाइंड करना है। तो हमने यही कहा गया सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, किसी मेथड से नहीं फाइंड करना, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट हम देखेंगे तो कि ये जाते किस टेबल पे है, उससे पहले हम आपको बुक की तरफ लेके चलते हैं। तो लेट्स मूव टू बुक। तो ये देखिए 2.3 में हमें कहा था, एक सिंगल वैल्यू हमें दी गई थी, स्क्वायर रूट द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कहीं भी डबल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम अपने 2.4 की तरफ चले तो इसमें हमें कहा गया 49/64, 121/625, और देखे सारी डबल है। तो हम पहले चलते, हम इन दोनों को करेंगे। फर्स्ट हमने 49/64 चूज किया है, तो लेट्स मूव टू। तो हम पहले ये देखेंगे जाता किस टेबल पे है। एक तो 49 अपने टेबल पे जाएगा, तो दूसरा है 7 पे जाएगा। तो अपने ऐसे नहीं करेगा, हम इसे सिर्फ दूसरे 47 से करेंगे। तो हम पहले लिख देंगे 7 7 49, और 7 1 7 हो गया, वह 49 हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट 64। ये जो हमारे पास 64 था, अब हम इधर चलते हैं 64 की तरफ। अब 64 भी एक अपने टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, और 8 के टेबल पे जाता है। तो हम इसे 8 से काट लेते हैं। 8 8 64, और 8 1 8। अब हम इसे कंपेयर करके लिखेंगे, मतलब ये 7 के पेयर बना लेंगे, पेयर बना के, और ये 2 8 के। अब हम नीचे अंडर रूट पे आएंगे, अंडर रूट पे हम लिखेंगे 7 7 8 8। उसके बाद इक्वल टू 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर। 2 7 लिखने के बजाय हमने 1 7 के ऊपर 2 डाल दिया, इसका मतलब है 2 हो गए, और ये 8 का स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएंगे, ये जो अंडर रूट है, इसके बाद 7 8 आ जाएगा। तो इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 7 8 56। तो ये है हमारे पास आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब हम इसे रब करने के बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमने ले लिया एक 121 और दूसरा 621, ये सेकंड पार्ट था। अब हम इसको पहले देखेंगे 121 को, 121 किस टेबल पे जाता है। ये तो अपने टेबल पे एक जाता है, और किस टेबल के अलावा 11 के टेबल पे जाता है। तो हम इसे 11 से करेंगे। वो इस तरह होगा कि ये 121 है, 11 11, यहाँ 2 पे 1 बच गया, कैरी हो गया, और कैरी यहाँ पे दे देंगे, ये भी 11 हो गया। तो 11 11, तो ये हो गया 11 11 121। तो इससे हम लिख लेंगे 11 11 121, और यही 11 1 11। ये हो गया हमारे पास 121 का। अब हमारे पास नेक्स्ट है 625 का, और 625 का अब हम शुरू करते हैं 5 से। इससे हम करेंगे 5 से, तो हम इसे 5 से करेंगे। 5 1 5, यहाँ पे 6 से 1 कैरी हो गए, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चले 1 कैरी हम डाल देते हैं, ठीक है। उससे बाद ये 12 बन गया, 2 10। अब ये कैरी रिमूव कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे पास 2 10 हो गए, फिर हमारे पास कैरी 2 पीछे बच गया, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 5 5 25 हो गया। अब इस 2 को हम रिमूव कर देते हैं। अब 125, अब हमने देखना है कि 125 किस पे जाएगा। इससे भी हम दोबारा 5 पे करेंगे, वो ऐसे 5 2 10 हो गया, 2 कैरी हो गया। अब 25 बन गया, 2 8 5, और 5 5 25, तो यहाँ पे भी कर लेंगे 5 5 25 5 1 5। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं 11 के और 5, इससे इसका हम ज्यादा लंबा बनाने पेयर, तो यूं
ये हमारे पास पेयर बन गए। अब हम उससे दोबारा अंडर रूट की तरह लिखेंगे, फाइव को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 है। तो फर्स्ट 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 5 एक 5 का स्क्वायर ये हो गया, 2 5 ये हो गए, 5 के ऊपर 5 का स्क्वायर तो ये, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 जो पीछे 2 5 बढ़ गए तो उसका स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर को अंडर रूट से काट देंगे हम। अब बच देंगे 11 5 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 11 5 तो 55 और 55 को 5 और 55 5 जो 275 ये है हमारे पास इसका आंसर। तो इससे हम रेस करते हैं और मिलते हैं आपको अगले पार्ट पे। अब हमारे पास है ये 196 और 441। अब हम देखेंगे 196 तो किसके टेबल पे जाता है। 196 तो वैसे बहुत से टेबल पे जाता है लेकिन हम इसे 2 पे करेंगे। तो हम इसे 2 से करके देखते हैं, 2 9s are 18 और 1 यहाँ पे कैरी बढ़ गया, इसको हटा के 16 बन जाएगा अगर लगा दिया 2 8s are 16। अब हमारे पास 98 आ गया, तो अब हमने देखना है कि 98 जाता किस पे है। ये भी 2 पे जाएगा, 2 4s are 8 2 9s are 18 2 4s are 8 हुआ, 1 यहाँ पे कैरी हो गया 18 होगा, 2 9s are 18 या 7 पे जाएगा, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हम आते हैं 441 की तरफ, हमने देखना है कि 441 जाता किसके टेबल पे है। तो ये जाएगा 3 पे, हम अभी से 3 पे कर लेंगे, 3 1s are 3 और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 3 4s are 12 यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे 21 हो गया है, अब 21 जाएगा 7 पे, तो 3 7s are 21। अब हमारे पे 147 है, अब हम देखेंगे कि 147 जाएगा किस पे, ये जाएगा 7 पे। अब हम इसे करते हैं, पहले 7 से देखेंगे हम बताएंगे कि 7 पे जाएगा कैसे। पहले हम ये भी हम 3 पे जाएगा, 3 4s are 12 यहाँ पे 2 कैरी हो गया और 3 9s are 27। अब फिर से देखें 749 आ गया, ये भी 7 पे करेगा जैसे हमने इस तरफ हमने किया था, ये भी 7 4 7 7s are 49 तो इससे भी हम 7 7s are 49 और 7 1s are 7 कर ले गए। अब ये बोर्ड हमारा फिल हो चुका है तो इसे रेस करके हम इसके पेयर बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम पेयर बना लेते हैं और यहाँ कहीं साइड पर लिख लेते हैं 2 और ये 2 2 के ये 7 के 3 और 7। तो हम यहाँ पे पहले ऊपर कहीं पे भी साइड पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी बुक के ऊपर। अब हमारे पास रह गए सिंपल पेयर बनाना, तो पेयर बनाने के लिए हम अंडर रूट ले गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसको कट कर देंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर जो ये अंडर रूट से कट जाएंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले 2 और 7 को कर लेंगे, 2 7s are 14 मल्टीप्लाई 3 7s are 21। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने कैलकुलेटर ले लिया है, अब हम पहले ऐसे करते हैं 14 मल्टीप्लाई 21। ये बहुत बड़ी वाली है, छोटी वाली है तो है नहीं, जो मुँह ऐसी हाथों से हो जाएगी, तो इससे हम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 21। तो हमारे पास 294 आ रहा है, ये देखें 294 तो इक्वल टू 294। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।